2025 में बिहार विधानसभा का महामुकाबला होगा और आमने सामने जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा खेल खेल दिया है और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। ये भी कहने वाले लोग कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा सम्राट चौधरी आने वाले भविष्य में हो सकते हैं। वहीं आरसीपी गुट का कहना था कि आरसीपी सिंह पर अगर बीजेपी दाव खेलती है तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को परास्त कर सकते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी सपना संजोए हुए थे, नए पार्टी का निर्माण किया। अब तमाम मुद्दों को समझेंगे कि बिहार की राजनीति के चीज़ों को अच्छे से अरुण कुमार समझते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सीएम का चेहरा चिराग पासवान जो सबसे नंबर वन चल रहे थे, सम्राट चौधरी को जो प्रोजेक्ट किया गया है कहीं ना कहीं बाधा हो सकती है। अरुण कुमार जी, सीएम के चेहरे पे एनडीए में सबसे आगे चिराग पासवान चल रहे थे, लोग भी बोलते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कहने वाले ये भी लोग कह रहे हैं, राजनीति विश्लेषक, कि 2025 के पहले 24 में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा। उधर आरसीपी सिंह अलग सपना संजोए हुए, उपेंद्र कुशवाहा अलग सपना संजोए, तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा? देखिए, चिराग पासवान का जो कार्य शैली है, जो संघर्ष का जो मादा है, जो बिहार के लेकर के संकल्प है, वह निश्चित तौर से एक मजबूत चेहरा है। लेकिन बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी, तो निश्चित तौर से सम्राट चौधरी भी एक मजबूत चेहरा है इसमें से ज्यादा की। अब ज्यादा कम का विश्लेषण आप हमसे कराना चाहते हैं? हमको तो चिराग अच्छा लगेंगे, लोगों की पसंद है, तब हम बोले। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं, नहीं नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि आप हमसे कहवाना चाह रहे हैं कि इसको नहीं अपना प्रिय लगता है, लेकिन हम उसी अलायंस के पार्टनर हैं, हम उसी अलायंस के पार्टनर हैं। ये तो एनडीए तय करेगी कि किसको चेहरा बनाए या चुनाव के बाद चेहरा बनाए, लेकिन बिहार में चिराग पासवान की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, और चिराग पासवान चेहरा हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते बीजेपी इस बात को स्वीकार करे। लेकिन बीजेपी अपने पार्टी से चेहरा बनाना चाहेगा तो निश्चित तौर से सम्राट चौधरी भी एक क्रूसेडर की तरह पिछले एक साल में अपने को स्थापित किया है, और एनडीए के लिए चिराग पासवान हो तो बेहतर, लेकिन हमारी पार्टी के निश्चित तौर से एक इस बात की हमको खुशी है कि कल तक जो बीजेपी का स्वरूप था उससे बेहतर स्वरूप बनेगा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। उसका फायदा हम लोगों को भी मिलेगा, हमारी पार्टी को भी मिलेगा। इसलिए जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, समेकित रूप से सब कुछ देख करके समझ करके, और ये बड़ा पार्टनर बीजेपी है, इसलिए उनको तय करना है। हम अभी संघर्ष कर रहे हैं उस दिशा में, ये हों वो हों, ये तो एनडीए तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार मेहनत कर रहे थे, बिहार के अन्य जिलों में जा रहे थे, और समय की मांग भी थी, जिस प्रकार से आप लोग कहते थे कि समय की मांग है चिराग पासवान, लेकिन अब जब जब समस्याएं आती हैं, उपचुनाव होता है, किसी तरह के चीज़ों को डैमेज करना होता है, वहाँ पे चिराग पासवान का इस्तेमाल करती है बीजेपी। लेकिन जब 2025 में तमाम चीज़ों को प्रोजेक्ट करने की बात आई तो कहीं ना कहीं अब आपका भी टंग खिंचाने लगा। अब कोई खिचड़ी पकाना चाह रहे हैं क्या आप? इसमें कुछ टांग नहीं खिंचा रहा है ये एनडीए। जितना मजबूत होगा, ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिनके पिता बिहार के बड़े कद्दावर लीडर थे सपनी चौधरी, और उनके बेटा बीजेपी से अध्यक्ष हुए हैं, तो बीजेपी का यह निर्णय बहुत ही समसामयिक है और उससे चिराग पासवान के व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि चिराग पासवान को और ताकत ही मिलेगी, इसलिए उसकी चिंता नहीं है, इससे मजबूती है। अगर आने वाले समय में चेहरा उनको प्रोजेक्ट कर देता है तो आप लोग मान जाइएगा ना? अरे भाई, एनडीए में हैं,
राज्य के हित में जो एनडीए तय करेगा वो सब लोग मानेंगे। देखिए सीधे तौर पे अरुण कुमार जी थे बता रहे हैं कि चिराग पासवान लगातार बिहार की मांग भी है, लेकिन जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, 2025 में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर एनडीए किस पे दाव खेलती है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को परास्त करने के लिए एनडीए का मजबूत चेहरा कौन बनता है, चिराग पासवान पर दाव खेला जाता है या सम्राट चौधरी चेहरा बनते हैं, यह तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2025 का जो मुकाबला होगा वो काफी धमाकेदार होगा और नीतीश और तेजस्वी को परास्त करने के लिए लगातार एनडीए रणनीति बना रही है। रोहित नटाजी पटना।